मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन ऑनलाइन जीके क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम जीके क्वेश्चंस. सो लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली. ओके, नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज WHO. Who? IS is THE the PRIME prime MINISTER. Who is the Prime Minister of India? Who is the Prime Minister of India? Answer is MR, Mr. NARENDER, Narendra MODI, Modi, या बी. बी में क्या लिखेंगे हम? मिस्टर ASHOK, मिस्टर अशोक चंद. ओके, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी या मिस्टर अशोक चंद? बताइए कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी हैं या मिस्टर अशोक चंद हैं? बताइए, मिस्टर नरेंद्र मोदी. कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर नरेंद्र मोदी. तो क्या करेंगे हम, इस ऑप्शन पर टिक लगाएंगे. ओके, हमें टिक लगाना है. ये MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपको चॉइस दी हुई है तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्या लगाना है? टिक लगाना है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट OFINDIA इंडिया. Who is the President of India? Answer is option A is Mr. R.A.M. Ram N.A.T.H. Nath, Ram Nath K.O.V.I.N.D. Kovind, या B. B में क्या लिखेंगे हम? Mr. Atal बिहारी. बताइए हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर रामनाथ कोविंद या मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी? बताइए कौन है हमारे प्रेसिडेंट? मिस्टर रामनाथ कोविंद. कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद. तो इस पर क्या लगाएंगे हम? टिक लगाएंगे. ओके, राइट आंसर इज राम, मिस्टर रामनाथ कोविंद. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द CAPITAL कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की कैपिटल, राजधानी क्या है? बताइए, ऑप्शन ए इज NEW, न्यू DELHI दिल्ली, एंड बी इज अलवर. बताइए इंडिया की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है या अलवर है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है. बताइए कौन बच्चा बता सकता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली. कौन, क्या है हमारे इंडिया की कैपिटल? न्यू दिल्ली. ओके, तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली. इस ऑप्शन पर हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर फोर इज हु इज द FATHER फादर ऑफ NATION? हु इज द फादर ऑफ नेशन? ऑप्शन ए इज MAHATMA, महात्मा GANDHI, महात्मा गांधी, या बी आर ए जे
जी यू आर यू गुरु राजगुरु। बताइए हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, भारत के राष्ट्र के पिता कौन है? बताइए हमारे राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसे कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को। ओके किसे कहते हैं फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी। टेल मी हु इज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। रिपीट विद मी, हु इज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आई एन डी आई ए इंडियाज, एन ए टी आई ओ एन ए एल नेशनल एस ओ एन जी सॉन्ग, व्हाट इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग, इंडिया का भारत का नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत क्या है? बताइए वी ए एन डी ई वंदे, एम ए टी ए आर ए एम वंदे मातरम, या एस ए आर ई सारे, जे ए एच एन जहां, से ए सी डबल एच ए अच्छा, वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है बताइए, पता है सभी बच्चों को? व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, बताइए क्या है इंडिया का नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा? राइट ऑप्शन इज ए वंदे मातरम। क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। व्हाट इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। ओके रिपीट अगेन दीज क्वेश्चंस, लिसन केयरफुली एवरीवन। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन बी इज मिस्टर अशोक चंद। बताइए कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट क्या होता है, राष्ट्रपति। तो बताइए कौन है हमारा प्रेसिडेंट, मिस्टर रामनाथ कोविंद या मिस्टर अटल बिहारी। बताइए कौन है, मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके नाउ क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है, भारत की राजधानी, न्यू दिल्ली या अलवर। बताइए क्या है, न्यू दिल्ली। वेरी गुड, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, एन ई डब्ल्यू डी ई एल एच आई, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर फोर इज हु इज द फादर ऑफ नेशन, हु इज द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता कौन है, महात्मा गांधी या बी राजगुरु। बताइए कौन है, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। हु इज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। हु इज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। वेरी गुड, व्हाट इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग, इंडिया का नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा। क्या है, वंदे मातरम। टेल मी व्हाट इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। ओके नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन सिक्स इज व्हाट इज इंडियाज एन ए टी आई ओ एन ए एल नेशनल ए एन टी एच ई एम, व्हाट इज इंडियाज नेशनल एंथम, नेशनल एंथम क्या है हमारा। बताइए ऑप्शन ए इज जे ए एन जन, जी ए एन गन, एम ए एन मन, या ऑप्शन बी इज ए मेरे, वी ए टी एन वतन के लोगों। बताइए क्या है, जनगण मन या ए मेरे वतन के लोगों, क्या है हमारा नेशनल एंथम, जनगण मन या ए मेरे वतन के लोगों। क्या है, जनगण मन। व्हाट इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम,
जनगण मन, क्या है हमारा नेशनल एंथम? जनगण मन, नेशनल एंथम इज जनगण मन. नाउ क्वेश्चन 7 इज HINDUS, हिंदूज गो टू वर्शिप, WRSHIP, हिंदूज गो टू वर्शिप. ए TEMPLE टेम्पल या बी GURU गुरु, DWARA गुरुद्वारा. बताइए हिंदूज गो टू वर्शिप, हिंदू लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं, टेम्पल मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं? बताइए कहाँ जाते हैं? टेम्पल में. कहाँ जाते हैं हिंदू लोग पूजा करने के लिए? टेम्पल. हम मंदिर जाते हैं ना क्योंकि हम हिंदू हैं. ओके, तो हिंदू लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेम्पल. ओके, हिंदूज गो टू वर्शिप टेम्पल. हिंदू गो टू वर्शिप टेम्पल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज MUSLIMS, मुस्लिम्स गो टू वर्शिप. मुस्लिम गो टू वर्शिप, कहाँ जाते हैं मुस्लिम्स? ए CHURCH चर्च या बी MOSQUE मॉस्क्यू. मुस्लिम गोज टू वर्शिप चर्च या मॉस्क्यू? मॉस्क्यू में. मुस्लिम्स कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू मस्जिद. कहाँ जाते हैं मुस्लिम लोग पूजा करने के लिए? मॉस्क्यू. ओके, मुस्लिम गोज टू वर्शिप मॉस्क्यू. मुस्लिम गोज टू वर्शिप मॉस्क्यू. क्वेश्चन नंबर 9 इज CHRISTIANS, क्रिश्चियंस गोज टू, क्रिश्चियंस गोज टू वर्शिप. ए GURU गुरु, DWARA गुरुद्वारा या बी CHURCH चर्च. क्रिश्चियंस गोज टू वर्शिप, क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं या चर्च जाते हैं? बताइए क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए? चर्च में. कहाँ जाते हैं? चर्च. तो राइट ऑप्शन इज चर्च पर टिक करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज SIKH, सिख गोज टू वर्शिप. सिख लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? ए TEMPLE टेम्पल, बी GURU गुरु, DWARA गुरुद्वारा. सिख गोज टू वर्शिप टेम्पल या गुरुद्वारा? सिख लोग, सरदार लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेम्पल में जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं? बताइए गुरुद्वारा. कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा. ओके, देखिए हिंदू लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेम्पल में. मुस्लिम गोज टू वर्शिप मॉस्क्यू. क्रिश्चियंस गोज टू वर्शिप चर्च. क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं? चर्च. और सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा. ओके, सिख गोज टू वर्शिप गुरुद्वारा. ओके, एक बार रिपीट करते हैं. रिपीट अगेन. व्हाट इज इंडियाज नेशनल एंथम? इंडिया का, भारत का नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन. क्या है? जनगण मन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदूज गोज टू वर्शिप टेम्पल या गुरुद्वारा? हिंदू कहाँ जाते हैं? टेम्पल में. ओके, मुस्लिम गोज टू वर्शिप चर्च या मॉस्क्यू? मॉस्क्यू. मुस्लिम गोज टू वर्शिप मॉस्क्यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिश्चियंस गोज टू वर्शिप, क्रिश्चियंस गोज टू वर्शिप गुरुद्वारा चर्च? चर्च. क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज सिख गोज टू वर्शिप टेम्पल गुरुद्वारा? गुरुद्वारा. सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा. ओके, अब सभी बच्चे क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को नोटबुक में ऑप्शंस के साथ नोट डाउन करेंगे और स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे. ओके, वी विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास. सो स्टे होम, स्टे हेल्दी.